हाय फ्रेंड्स, मैं रुचि शुक्ला और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पानी पर जो कि है 700 ग्राम्स, घी लिया हुआ है डीप फ्राई के लिए, 1 चम्मच इलायची पाउडर, आधा कप मैदा, 100 ग्राम पनीर और 250 ग्राम मावा। तो हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो एक पैन में हम शक्कर डाल देंगे और शक्कर में पानी डालेंगे जब तक शक्कर अच्छे से कवर ना हो जाए। इतना पानी बहुत है। अब हम इसे रख देंगे गैस पे बॉईल होने के लिए। अब हम एक बड़े प्लेट में मावा निकाल लेंगे और पनीर। अब हम पनीर को अच्छे से मैश करेंगे। पनीर मैश हो चुका है। अब हम मावा और पनीर को साथ में अच्छे से रब करेंगे और एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब मैदा और पनीर और साथ में मावा, इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और एक परफेक्ट स्मूथ डो बना लेंगे। एक स्मूथ डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे मीडियम साइज के। इस साइज के हम बाकी सब को भी बॉल में बना लेंगे और हमारे गुलाब जामुन में एक भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, एक स्मूथ सा परफेक्ट बॉल रहना चाहिए। चाशनी हमें एक तार की नहीं चाहिए, तो अब हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे एक बार। चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम एक पैन में या कढ़ाई में घी डाल देंगे। गुलाब जामुन के बॉल रेडी हो चुके हैं और हमारा घी भी हीट हो चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे करके फ्राई कर देंगे। एक एक गुलाब जामुन धीरे से तेल घी में डाल देंगे। इसे डालने के बाद तुरंत हम इसे टर्न नहीं करेंगे, इसके 1-2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। सारे गुलाब जामुन को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ये एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे धीरे से टर्न कर लेंगे। गुलाब जामुन अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जो गुलाब जामुन हमने फ्राई किए हैं उसे हम शुगर सिरप में डाल देंगे चाशनी में और थोड़ा अंदर पुश कर देंगे। बाकियों को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फाइनली गुलाब जामुन रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल गो फूडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।